इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस्टेशन साहब हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे, महाराष्ट्र में लेकर बवाल हुआ है, दो जनपदों में जो है महाराष्ट्र के कई जनपदों में हंगामा हुआ है और काफ़ी सारी समस्याएं आई हैं, क्या कहना है सर सबसे पहले आपको महाराष्ट्र? देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव है, सबको मालूम है। अब जहाँ जहाँ बीजेपी कमज़ोर है वहाँ वहाँ दंगे क्यों होते हैं? देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा। आपने देखा, अभी बंगाल में दंगे हुए, बिहार में दंगे हुए, छत्तीसगढ़ में दंगे हुए, महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं। दंगा होने से किसको फ़ायदा होता है ये भी आप सोच लीजिए कि वोट पोलराइज करने के लिए नफ़रतों की राजनीति करके, खून की और लाशों की राजनीति करके लोग वोट हासिल करना चाहते हैं, जो देश के लिए और देश के आने वाली नस्लों के लिए बहुत ख़तरनाक है। दंगा कोई नहीं चाहता, कोई भी कम्युनिटी ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे नफ़रतों की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन ये कराने वाले कौन हैं? धार्मिक भावनाओं में बहाने वाले कौन हैं? धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लाइट करने वाले कौन हैं? ये फैसला अब जनता को करना पड़ेगा अगर देश का भला चाहते हैं। अच्छा, आसाम के मुख्यमंत्री जो हैं, पहले मदरसे वहाँ पर बंद कर दिए गए, तब 300 मदरसों को और सिलेक्ट करा गया जिन्हें बंद करा जाएगा। अगर बात करें माइनॉरिटी की, जो है तुम्हारा लगातार जो है तुम्हारा सरकार कह रही है कि मुसलमानों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन इस तरीके से मदरसे बंद होने, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो जो भी काम करते हैं या जो भी बोलते हैं ज़बान से जहर उगलते हैं। उन्हें देश की परंपराओं का, देश की गंगा जमनी तहजीब का, प्यार मोहब्बत का कोई एहसास नहीं है। उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने का एक लालच है। वो देश के रहने वालों को बांटकर नफ़रतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल करना चाहते हैं। उनका टारगेट हमेशा मुसलमान रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान के हाथ में एक तरफ कुरान हो तो एक तरफ कंप्यूटर हो। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के 100 मदरसों में उनकी मन की बात सुनी जाए। प्रधानमंत्री जी मदरसों को कभी बुरा नहीं कहते, लेकिन ये लोग अपनी पार्टी लाइन से हटकर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जो देश को ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। थोड़ा बहुत मुसलमान अगर इनके बहकावे में आके बीजेपी का साथ दे रहा है तो वो भी छोड़ने जा रहा है। मदरसों के अंदर शिक्षा दी जाती है और अब से नहीं, 1000 साल से मदरसे कायम हैं और यही शिक्षा का माध्यम थे। यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है, यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे दीन की भी तालीम दी जाती है। मुख्यमंत्री जी को अगर स्कूल खोलने हैं तो वो खोले, मना किसने करा है, लेकिन मदरसों को क्यों बंद कर रहे हैं? क्या उनको इस्लामिक तालीमात से नफ़रत है? क्या वो उन्हें इस्लामी फोबिया है? या वो भोले भाले हिंदुओं को ये बहकाना चाहते हैं कि मुसलमान का वर्चस्व हो जाएगा देश के अंदर, मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी, अल्पसंख्यक हिंदू हो जाएंगे? ये सब बातें अब देश के हिंदू भाई भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब राहुल गांधी ने, और मैं उनके इस स्टेटमेंट का स्वागत करता हूँ। हमारी ज़िंदगी, ख़ास तौर से मेरी ज़िंदगी हमेशा प्यार मोहब्बत और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए मेरी राजनीति है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जा रहे हैं लोकसभा के, तो उसमें सबको मिलकर लड़ना होगा, किस तरीके से जीता जा सकता है? यकीनी तौर पर सबको मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। जो भी हमारे बड़े नेता डिसाइड करें वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि 35-36% वोट के ऊपर बीजेपी अपना सरकार बनाती है, बाकी 66% वोट वाले मुंह देखते रह जाते हैं, वो अपोजिशन में बैठते हैं, जबकि वो माइनॉरिटी में है, अपोजिशन मेजॉरिटी में है। तो जब तक हम मिलके नहीं लड़ेंगे बीजेपी को हम कैसे हटा सकते हैं? 1980 में मुरादाबाद में दंगे हुए थे, कई लोगों की मौतें भी हुई थी, अब उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करी जा रही है। 24 के चुनाव, उससे पहले मुरादाबाद की रिपोर्ट रही, किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि मुरादाबाद में दंगा बहुत भयानक दंगा हुआ था। मैं उस वक्त MBBS फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था, ईद करने घर आया था। यहाँ पे ईदगाह के ऊपर फायरिंग हुई ज़बरदस्त, एक सुअर, एक नजिस जानवर सफ़ों में आ गया था, लोग इश्तियाल में आ गए और पुलिस से झगड़ा हुआ, पुलिस ने फायरिंग कर दी। PAC ने ईद के मैदान में गोलियां बरसा दी, वहाँ पे लोग मारे गए। मेरे मामू नमाज पढ़ा रहे थे और वो उन्होंने मुझे ये बताया कि लाशों के ट्रक गए थे वहाँ से। उन्होंने बताया कि ज़ख्मी लोगों को लाशों के ट्रक के अंदर छोड़ दिया गया था, डाल दिया गया था। वो दंगे की रिपोर्ट, मैं समझता हूँ जनता को अधिकार है कि ये जाने के दंगा क्यों हुआ था, लेकिन वो रिपोर्ट सही होनी चाहिए। डॉक्टर शमीन साहब के बारे में उस रिपोर्ट में बताते हैं कुछ कहा गया है, जबकि डॉक्टर शमीन साहब का उसमें कोई रोल नहीं था। क्या लगता है इस सरकार में इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अब इतने साफ नहीं मिला तो अब क्या इंसाफ मिलेगा? उस वक्त पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया गया कि 5 लोग मरे हैं जिसमें से 3 पुलिस वाले और 2 मुसलमान मरे थे, जबकि हम इमाम साहब ने मुझे खुद इस बात को बताया था कि लाशों के ट्रक में जिसकी टांग पे गोली लगी थी, हाथ जोड़ के कह रहा था कि इमाम साहब मुझे बचा लो, ये मुझे ट्रक में लिए जा रहे हैं। जिन लोगों को PAC उठा के ले गई, उनको वो आज तक घर नहीं लौटे। वो आखिर PAC ने इतना जुल्म क्यों करा था? मुसलमानों को उस वक्त PAC से नफरत हो गई थी और उस वक्त इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे। किसी भी एक पुलिस वाले को सज़ा नहीं दी गई, PAC के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया गया। इमाम साहब ने कह के मिसेज इंदिरा गांधी से आधे मुरादाबाद में PAC के ऊपर बैन लगवा दिया गया था। तो ये रिपोर्ट्स आनी चाहिए, दंगे क्यों हुए थे और जिस वजह से हुए थे वो सबको मालूम है। अगर PAC ये बर्बरियत नहीं करती तो ये दंगा इतना नहीं बढ़ता। और हाँ, ये भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने देखा है वो दंगा, कि जब BSF यहाँ पे आई तो BSF ने सबके दिल जीते, गरीबों की मदद करी, किसी को सब्ज़ी ला के दी कर्फ्यू के अंदर, किसी को दूध ला के दिया, किसी को राशन ला के दिया, हिंदू मुसलमानों की सबकी उसने मदद करी और संभ्रांत नागरिकों को मिला के माहौल सही करने की कोशिश करी और दंगा शांत हो गया। डॉक्टर साहब, 17 नगर निगम में चुनाव पूरे हो गए, समाजवादी पार्टी का क्या कितनी मजबूती से चुनाव लड़ी और परिणाम सबके सामने है, क्या कहना है इसको? देखिए, मजबूती से तो मैं क्या कह सकता हूँ, जब हम सारे चुनाव हार गए, कहीं ना कहीं सेकुलर वोट का बिखराव हो गया, मुसलमानों का ख़ास तौर से बिखराव हुआ। मुसलमानों ने BSP को भी वोट दिया, मुसलमानों ने कांग्रेस को भी वोट दिया, मुसलमानों ने समाजवादी को भी दिया और कहीं कहीं कुछ भटके हुए मुसलमानों ने BJP को भी वोट दे दिया। मुसलमानों के बिखराव की वजह से सेकुलर पार्टीज हार गई। मुसलमान को अपना मुस्तकबिल तय करने के लिए सियासी तौर पे एकजुट होना पड़ेगा। मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं हुआ करता, मुसलमानों में मसावात का सबक दिया गया है। हम एक सफ़ में खड़े होते हैं, हम चाहे सैयद हों, चाहे पठान हों, चाहे अंसारी हों, चाहे कुरैशी हों, आगे पीछे कोई नहीं होता है। एक थाली में हम खाना खाते हैं, एक जगह हम इबादत करते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये मुसलमानों का पैगाम, इस्लाम का पैगाम है। फिर कैसा पसमानदा? पसमानदा के बहकावे में आके लोग बाग मुसलमानों का वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप थे मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस्टेशन। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।